से आप निकालोगे। और आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो पार्ट है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक शॉर्टकट होता है, तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट ही बता देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था मैंने बहुत सालों पहले, ठीक है, मुझे याद भी नहीं है एक्जैक्टली कि कब, बट हाँ ये शॉर्टकट एक होता है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसका लेंथी मेथड बहुत लेंथी है, उसका नाम ही लेंथी मेथड है, ठीक है। इसका लेंथी मेथड जो है वो बहुत ही लेंथी है, इसीलिए डायरेक्टली शॉर्टकट, शॉर्टकट को समझ लो, है ना, ताकि आपके सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ एनी, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा एक्स प्लस आई वाई। अब ये एक्स और वाई को निकालने का डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला, वो शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि आप ये जो ए और बी है ना उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम टाइप का अज्यूम कर सकते हो। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बार आपको करना है प्लस ए और डिवाइडेड बाई टू, और एक बार आपको करना है माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, मतलब ये रियल पार्ट, जो रियल पार्ट है उसको ऐड करो, डिवाइड बाई टू करो, माइनस करो, डिवाइड बाई टू करो। एक एग्जांपल करते तभी ये क्लियर होगा, ठीक है। देखो इसका एक एग्जांपल ये वाला ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, इसका जो आंसर है वो कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो दो आंसर आते हैं हमेशा, ऑलवेज यू विल गेट टू आंसर्स। तो पहले आप प्लस माइनस तो लिख लिया करो, ठीक है, हमेशा दो आंसर आएंगे, एक प्लस एक माइनस, ऑलवेज 100%, ठीक है। बीच में जो साइन है वो आप बीच में लगा दो, ठीक है, यहाँ पे आयोटा भी लगा दो, तो बस ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा y, बस अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर आप डायग्राम बना लो, बेसिकली जैसे बायोलॉजी में बनाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दिया, अब x और y का वैल्यू निकालने का शॉर्टकट क्या था, यहाँ पे लिखो x स्क्वायर, यहाँ पे लिखो y स्क्वायर, है ना। आपको करना है अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। तो अंडर रूट ऑफ ये कितना आएगा, ये अलग से निकाल दिया करो आप, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताना आप, अगर करोगे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 5 आएगा ना, तो यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे भी 5 लिख लो, ठीक है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप मॉड्यूलस समझते हो तो मॉड्यूलस निकालना है ना, मॉड्यूलस वैसे अभी हम पढ़ेंगे, बट अगर आप नहीं समझते हो तो आप अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लो, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें एक बार आपको ये जो रियल पार्ट है ना, एक बार ऐड करके डिवाइड बाई टू करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई टू करना है। तो बस यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4 और वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1। तो एक्स का वैल्यू आप लिख दोगे 2 और वाई का वैल्यू लिख दोगे 1। इसमें प्लस माइनस और ये सब यूज करने की आपको जरूरत नहीं, वो हमने पहले लगा दिया है, ओके, वो सब प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा, यही शॉर्टकट है। तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1, तो बस दिस इज द आंसर, तो गया। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसके ऊपर जेई मेन 2020 में क्वेश्चन आया था, तो बेसिकली इन्होंने रूट ऑफ माइनस 54 लिख दिया। तो रूट ऑफ माइनस 54 क्या होता है, रूट ऑफ 54 मतलब ये होता है 9 into 6, ये तो 3√6 हो गया ना। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो रूट ऑफ माइनस 54 जो होता है ना उसको हम लिख सकते हैं दिस इज रूट ऑफ माइनस 1 into 6 into 9। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 3√6 आयोटा, ये लिखा हुआ है, ये दिख गया सबको, तो बस रिप्लेस कर दो ताकि एटलीस्ट आयोटा के फॉर्मेट में आ जाए अपना, ठीक है। तो आयोटा के फॉर्मेट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, और ये आ जाएगा ना 3√6 आयोटा, और इस पूरे की पावर है 1/2, मतलब स्क्वायर रूट है, समझ गया ना, दिस इज पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, और माइनस, और यहां पे बन जाएगा 3 - 2 और 3√6 into आयोटा, ठीक है। तो इसकी पावर है 1/2, तो बस इसमें आप स्क्वायर रूट निकालो दोनों का स्क्वायर रूट अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना कितना आएगा इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं क्या, तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 3 + 6√6 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। अब शॉर्टकट लगा लो, और यहां पे लिखा हुआ है क्या, ये दिख गया ना सबको, लिखा क्या हुआ है वो आपको दिख जाना चाहिए कि भाई ये लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। इसके दो आंसर आएंगे, इसके भी दो आंसर आएंगे, ठीक है, दोनों के दो आंसर आएंगे। तो बेसिकली एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ओके, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे डायग्राम में आएगा प्लस माइनस, ठीक है, और बीच में प्लस साइन है तो बीच में हम भी प्लस लगा देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम आएगा, इधर भी प्लस माइनस और बीच में माइनस है तो हम भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो डायग्राम बन गया, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले आप निकाल लो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जरूरी थोड़ी कि हर बार मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आएंगे, ठीक है। तो आपको 3 स्क्वायर और 6√6 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो निकाल लो आप कहीं साइड में, यहाँ पे निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और 6√6 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, इसको करोगे तो ये 9 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 216, अल्टीमेटली ये बन गया 225, तो 15 आ गया ना, ये तो दिख गया 15, ये 15 आ गया। अगर ये 15 आ गया तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालने के लिए 15 तो आएगा ही दोनों में, ठीक है, दोनों में 15 आएगा। एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार इसको प्लस करके बाई टू करेंगे, एक बार माइनस करके बाई टू करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां से कितना आ गया, ये बन गया 9, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया और वाई स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा 6, मतलब बेसिकली एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू √6, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू √6, यहां पे भी 3 और √6। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी, इनमें से कौन सा हो सकता है, तो इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करो, इमेजिनरी पार्ट ये है और यहां पे इमेजिनरी पार्ट ये है, तो या तो डबल होगा या कैंसिल होगा, है ना भाई, चार केस बनेंगे, एक बार प्लस प्लस लोगे, एक बार प्लस माइनस लोगे, एक बार माइनस प्लस लोगे, एक बार माइनस माइनस लोगे, अलग अलग केसेस में अलग अलग इमेजिनरी पार्ट आएगा, उनमें से कोई एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो या तो डबल होगा या कैंसिल होगा, यही आपको समझ आ रहा है ना, यहाँ पे आयोटा रूट सिक्स, उधर माइनस आयोटा रूट सिक्स, अगर बीच में आप माइनस ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 iota √6 हो जाएगा ना, तो या तो डबल होगा या कैंसिल होगा, समझिए ना। तो बेसिकली वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जो आपको दिख रहा है दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पॉसिबल है, बस और कुछ पॉसिबल नहीं है।
तो ये चमक गया। यस, अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता है तो आपको लॉन्ग कट से दो बार स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना पड़ता, जो कि बहुत ही बेकार मेथड है। ठीक है, तो ये अपना काफी अच्छा मेथड है, मतलब है ना, आप आइडेंटिफाई कर लो कि निकालना क्या है, उसके बाद निकालने के लिए तो शॉर्टकट है ही।